तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महबूदुल हसन तुहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएम मोहतरम बै बहनक वरह वब्ल के खसूसी फजल करम के साथ अल्लाह रबुल्ज़त ने हमें हमारी जिंदगी में दोबारा रबीबल का महीना देखने का मौका था फरमाया अल्लाह इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई कि हम दोबारा इस महीने में पहुंच सकें यह बहुत ही बबरकत महीना है इस रबी अव्वल के मुबारक महीने में मेरे और आपके प्यारे आका हजूर ख़ातमन नबीन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई और इसी रबी अव्वल के माह मुबारक में मेरे आका अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा के गए ये बहुत ही अहम महीना है जहाँ एक तरफ इस मुबारक महीने के अंदर आशा मुतफ़ा अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुशी व मसरत का सामान है इसी मुबारक महीने के अंदर बारह रबी अल्वल के दिन जब मेरे अक आलाम दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो पूरी उम्मत मुसलिमा के ऊपर साहबा कराम रिजवानल् तजमाइन के ऊपर गम के पहाड़ टूट चुके थे और साहबा अपने होश व हवास खो बैठे थे शद्दत गम की वजह से यहाँ तक कि हज़रत उमर हज़रतमर रजील्ल्ला तलवार सौंत कर खड़े हो गए और कहने लगे कि जिसने कहा कि मोहम्मद सोत हो गए मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा फिर सैद नस्दी अकबर रजील् तशरीफ़ लाए और मंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और आकर सहबा के दरमियान एक खुतबा इरशाद फरमाया मन का नैया अबुद महम्मदन फ़ैन महम्मदमात मन का नया नै अबुद्ल फ़ाइनल्लामोत तो सहाबा को जैसे होश आ गया और क़ुरान की वह आयात पड़ी जो मेरे अकाल सलातम के बारे में नाजिल हुई थी तो सहाबा जब दोबारा होश के अंदर आए तो गम और अलम का एक ऐसा समा था मदीना के अंदर के कोहराम बरपा था हर घर में एक किस्म की सफ़े मातम बिछी हुई थी मेरे अकाल सलातुस सलाम के फिराक और जाने के गम में बच्चे तो बच्चे बूढ़े तो बूढ़े जवान हर मर्द औरत सब उम्मती ने डाल थे तो इस हाल में मेरे अकाल सलात भी अपनी उम्मत के लिए आखिरी वक़्त में भी खैर खाही की और उम्मत की बख्शिश की और उम्मत के बारे में आ, ऐसी ऐसी नसीतें और वसीतें फरमा के गए जो हमारे लिए क्यामत तक के लिए मशल राह हैं हमें चाहिए कि हमें अपने अकाल असलात साम के उन एहसानात को अपने ऊपर समझते हुए और उन एहसानात का इसतज़ार करते हुए प्यारे अकाल असलात साम की बरकत के ऊपर हर वक़्त कसरत के साथ सलाम के हदये और नजराने पेश करते रहें जितना दरुद सलाम का हदय और नजराना हम पेश करेंगे उतना हमारा फ़ायदा है उतनी हमारी आखरत संवरेगी उतना हमें अकाल सलातम का कुर्ब नसीब होगा उतना हमारा बख्शिश का सामान होगा उतनी मेरे अकाल सलातम के दस्ते मुबारक से हौज कोसर का जाम हमें नसीब होगा उतनी मेरे अकाल सलातम की रोज़ क्यामत हमें शफात नसीब होगी मेरे अकाल सलातम का पूरी उम्मत के ऊपर अल्लाह रबुल्ज़त के बाद सबसे ज़्यादा हक है कि उम्मतियों के ऊपर के, के उम्मती उनके लिए सलाम के हदीया नजराने पेश करें और आकलात अल्लाम को भी हर वक़्त जो भी पढ़ें जो भी अमाल करें उनकी बारगा इकदस में हदयता तोहफ़ातान एसाल स्व करें और दरूदास्लाम के नजराने पढ़ें रबी अल्वल के महीने के अंदर बाज अहलुल्ल का ओलिया कराम का ये मामूल है कि वो पूरे रबी अलवल के महीने के अंदर कोई भी द्रू अपने अपने मिजाज के मुताबिक अपने अपने वक़्त के मुताबिक कि जितना आपको वक्त मिल सके अगर बड़ा द्रू पढ़ना चाहें दरुद इब्राहिमी द्रूद तनजीना तो वो पढ़ लें अगर कोई छोटा द्रूशीफ़ पढ़ना चाहें तो वह पढ़ लें जो हमारे मामूल के अंदर है हम वो आप सामने रखते हैं छोटा सा सीरा है और मसनू रूशीफ भी है हदीस मुबारक साबित भी है और बहुत बाबरकत रूशीफ है बहुत ही खैर व बरकत का मुंबा और ख़जाना है इसको अगर आप पूरे रबी लवल के महीने के अंदर यकम रबी लवल से लेकर तीस तक पूरे रबी अबल के महीने के अंदर आप इसको बावजूद खुला कभी एक हज़ार दो हज़ार दस हज़ार पाँच हज़ार जितना भी पढ़ना चाहें आपने इसकी सवा लाख की तादाद मुकम्मल करनी है पूरे रबी अव्वल के महीने के अंदर दिन में रात में जब आपके पास वक्त हो कसरत से पढ़ते रहें उसको गिनते रहें काउंट करते रहें सवा लाख इसको पढ़ के रबी अव्वल के महीने के अंदर मेरे अकाल असलात अस्लाम की बारगाह यकदस के अंदर हदीयतन तोहफाता आजजी और मोहब्बत के साथ पेश कर दें इसकी बरक़ात आप देखेंगे अगले रबी अव्वल के महीने तक यानी एक साल तक इसकी ऐसी खैर बरकत आपके ऊपर नाजिल होगी कि जो हम बयान नहीं कर सकते बहुत ही और बरकत का ज़रिया है वो छोटा द्रूशीफ़ कौन सा है अल्ला मोहम्मद वबारक वसलम अला अला व आलिही व बारिक व वसलम ये छोटा सा द्रूशीफ़ है इसको पूरे रबी अव्वल के महीने के अंदर सवा लाख पढ़ के मेरे आका अलैहि अकाल सलाम की बारगह अकदस के अंदर ये एक तोहफ़ा पेश करें फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत किस तरह बरसात की शक्ल में आपके ऊपर नाजिल होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका अलैहि अकाल सलाम की मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए बान रब्बिल आलमीन